जॉन विक फ्रेंचाइजी के एक्शन सीन्स जो है वो फिल्म बाय फिल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो फाइनली मेरे लिए पर्सनली इस महीने का सबसे रिलीज जो है वो हो चुका है। मैं बात करने वाला हूँ आज की स्टूडेंट जॉन विक चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि इस पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी मूवी है, जिसका रन टाइम है 2 घंटे और 50 मिनट। देखो, जितने भी जॉन विक के फैंस हैं वो तो इस मूवी को देखने वाले हैं, शायद ऑलरेडी मूवी को देख भी चुके होंगे। बट अगर आप एक जॉन विक के फैन नहीं हो तो क्या आप लोगों को इस मूवी को अपने 2 घंटे और 50 मिनट का टाइम देना चाहिए? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं आप लोगों के लिए पर्सनली आपको इसकी स्टोरी बता के आप लोगों के लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा कि इसके अंदर एक इतनी कमाल की स्टोरी है, जिसको जानने के लिए आपको इसके पहले के 3 पार्ट देखने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने इसके 3 पार्ट अब तक नहीं देखे हैं तो पहले इसके 3 पार्ट को देखना, उसके बाद जाके आप इस पार्ट को देखना। आपको कैरेक्टर के अंदर एक कमाल का इमोशन, कैरेक्टर के अंदर डेप्थ अपने आप समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं देखो इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। तो इस मूवी का जो पहला पॉजिटिव पार्ट मेरे को लगा, देखो यार हम लोग बात कर रहे हैं जॉन विक के बारे में, तो जॉन विक जो है वो जुड़ा हुआ है एक्शन से। तो इसका जो पहला पॉजिटिव पार्ट होने वाला देखो वो होगा इस मूवी का एक्शन सीन। इस मूवी का ही नहीं, अगर हम लोग बात करते हैं पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी के बारे में, तो इस फ्रेंचाइजी ने अपने एक्शन सीन्स को मूवी बाय मूवी जो है एनहांस किया है। इस मूवी के एक्शन सीन्स इतने कमाल के हैं भाई साहब, मतलब यहाँ पे मैं स्पेशली 2 सीन्स को मेंशन करना चाहूंगा। पहला सीन जो होगा वो कार चेजिंग सीन होगा, दूसरा होगा वो सीडियो वाला सीन। भाई साहब मतलब कैसे, और वो भी एक ही टेक के अंदर, मैन लंबे लंबे शॉट चल रहे हैं बिना कट के, मजा आ गया उसको देख। तो जिस तरीके से एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की गई है भाई साहब, अप्रिशिएट करना बनता है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, और साथ में इस मूवी की जिस तरीके की लाइटिंग रखी गई है, इस तरीके की लाइटिंग, इस तरीके की टोन आपने पहले के 3 पार्ट में देखी है, सेम टोन को हमें फॉलो किया गया। तो उस तरीके की लाइटिंग जो लिटरली उन सीन्स को हाईलाइट कर रही है। इसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा खुद कियानो रीव्स। भाई साहब इस आदमी ने एक्शन दिखा दिया, एक्सप्रेशन दिखा दिए, इमोशंस दिखा दिए, मतलब जो आपको जॉन विक के करेक्टर से चाहिए आपको सब कुछ मिल जाए। चाहे आप बात करो मार्शल आर्ट्स की, चाहे आप बात करो गन बैटल की, या चाहे आप बात करो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, हर एक तरीके से जॉन विक के लिए मुसीबतों को बढ़ाया जा रहा है। और भाई साहब ये बंदा हर बार कमाल करता है। इसके साथ में मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा एक ऐसे कैरेक्टर को जो आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया, जो आपको काफी हद तक डेयरडेविल की वाइब देगा। कोई अगर पूरी मूवी के अंदर जॉन विक के लेवल का कोई मुझे लगा तो वो कैरेक्टर। उसके बाद जो इस मूवी का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इस मूवी की एंडिंग, और साथ में आपको इस मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया, आप लोग उसको देखना मत भूलना, लिटरली वो आपको आगे आने वाले पार्ट्स के लिए हाइप कर देगा। तो अब बात करते हैं देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। तो जो मुझे सिर्फ इस मूवी का एक नेगेटिव पार्ट लगा देखो वो होगा इस मूवी की जो स्टार्टिंग है, मतलब पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ में कमाल का एक्शन है, मूवी की एंडिंग में कमाल का सीक्वेंस आता है, एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त है, बट बीच में हाफ टाइम के बाद एक वो ड्रामा शुरू होता है जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया। तो हो सकता है कि वो पार्ट आपको बोर करे, और स्पेशली उस पार्ट की वजह से आपको इसकी लेंथ 2 घंटे 50 मिनट जो फील होने वाली है। इसके अलावा मेरे को इस मूवी में कोई भी कमी नहीं लगी, तो मैं आप लोगों को 110% रिकमेंड करता हूँ कि जाके आप लोग इस मूवी को चेक करो। अगर आप लोग एक एक्शन मूवी लवर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हो मेरी रिकमेंडेशन से जाके इस मूवी को आप एक ट्राई करो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। इन द एंड देखो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4.5 स्टार, और आप लोगों से इतना बोलूंगा इस मूवी के अंदर आपको कमाल का कैरेक्टर, कमाल की स्टोरी, एकदम गजब वाले एक्शन सीन्स, और इसके साथ में आपको इस मूवी के अंदर एकदम धमाकेदार एंडिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी जॉन विक चैप्टर नंबर 4। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।